आपको भी लग रहा है कि आप वाई के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चंस को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, यह बात अच्छे से आपको समझ में आ रही है, तो आपको क्या करने की जरूरत है, ऑर्डर को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि काश यहां पर dx रहता तो dx का इंटीग्रेशन x, तो ये इजीली इंटीग्रेट हो गया, तो अब यहां पर x की लिमिट पुट करने की जरूरत है, और इसके लिए आपको क्या प्लॉट करना होगा, इसकी हेल्प से यानी इसकी लिमिट की हेल्प से आपको पहले ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। यदि आपने ग्राफ को प्लॉट कर दिया तो बस बल्ले बल्ले, आप कुछ रहा ही नहीं, तो यहां से आप ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू फोर एक्स, y इक्वल टू फोर एक्स का ग्राफ ये होगा, फिर y इक्वल टू फोर इसका y इक्वल टू फोर ये होगा, ये कहां पर कट करेगा, जब फोर होगा y इक्वल टू फोर एक्स होगा तो x की वैल्यू वन होगा ना, x की वैल्यू वन होगा। अब देखिए इधर से बाउंडेड नहीं है, दैट मींस कि यहाँ पे x इक्वल टू जीरो क्या हो रहा है, बाउंडेड बनाने का काम कर रहा है इस रीजन को, ये इस रीजन में हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, हमें x की लिमिट पुट करना था, x एक्सिस के पैरेलल मूव करो, तो एंट्री जीरो पर एग्जिट इस लाइन पर, इस लाइन पर x की क्या वैल्यू है, y बाई फोर। अब इस रीजन में y की मिनिमम वैल्यू जीरो है और y की मैक्सिमम वैल्यू फोर है, तो हो गया। अब इसका डेरिवेटिव यहां पर है तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, हो गया। ऐसे ही सोचना है, कुछ खास नहीं सोचना है, यदि आप इस तरीके से सोचना सीख गए तो बस हो गया, आपका काम बन गया, ठीक है, लिख लीजिए।